नमस्कार, मैं रागम मखीज आपका स्वागत करता हूं जनुद्र में। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों की ओर। चक्रवाती तूफान ताऊते का असर, दिल्ली, राजस्थान और यूपी समेत कई राज्यों में हो रही है बारिश। सुबह सुबह भूकंप के तेज झटके से सहमा नेपाल, रिक्टर स्केल पर 5.3 की तीव्रता। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 4525 मरीजों की जान गई, 2,65,000 नए संक्रमित मिले, वहीं 3,90,000 ठीक भी हुए। बीमार माँ की दिन रात सेवा के लिए आईएएस बेटे ने छोड़ी कलेक्ट्रेट, पर वह बच ना सकी। फिर से कोई साजिश रच रहा है चीन, कोरोना संकट के बीच ईस्टर्न लद्दाख के करीब पहुंचे पीएलए, कई बंकर भी बनाए। कोरोना का बढ़ता कहर, 100 में से 20 बच्चों में संक्रमण का खतरा, कर्नाटक और दिल्ली में किया सचेत। देश की सिर्फ 2% आबादी में कोरोना, 98% लोगों को अब भी संक्रमण का खतरा। अरविंद केजरीवाल के न्यू स्ट्रेन वाले दावे को सिंगापुर हाई कमीशन ने किया खारिज, ट्वीट से दिया था जवाब। यूपी में योगी के एक और मंत्री की कोरोना से मृत्यु, अब तक 3 मंत्रियों की मौत। इजराइल ने किया हवाई हमले तो हमास ने दागे रॉकेट। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहें जनउदय के साथ। प्लीज लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल जन उदय एंड हिट द बेल आइकन।